गुड मॉर्निंग ओडिशा आपण समस्त को आम न्यूज चैनल को स्वागत पुणी थरे आसंतु आज दिन समस्त बड़ बड़ खबर ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज जानिनेबा। पश्चिमा झड़र प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी आसंता 24 घंटा मध्य गड़गड़ी सह प्रबल वर्षा होवार संभावना रही जानिबा संपूर्ण खबर ए वीडियो माध्यम रे। नुआ जगन्नाथ सड़क को जातीय राजपथ देबाकु केन्द्र मंत्री को निर्देश एहा मध्ये जानिबा ए वीडियो माध्यम रे। मद प्रेमी को पाई खुशी खबर सस्ता हैला मद अधिक दाम रे बिकिले कठोर कार्यानुष्ठान जानिबा संपूर्ण खबर आउ किछि मिनिट माध्यम रे। चासी को पाई खुशी खबर एबे पीएम किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे अकाउंट धारी माने गोटिए वर्ष रे 42,000 टंका पाई परिबे। तबे केमिति 42,000 टंका पाई परिबे ताहा मद एई वीडियो माध्यम रे जानि परिबे। ता सहित केन्द्र परिवहन मंत्री को बड़ सूचना हाईवे रु हटी जीव टोल टैक्स यात्री को आउ देबाकु पड़िबो नाही टोल टैक्स। दर्शक बंधु सरकार को बड़ घोषणा प्रत्येक गृहिणी को मासिक मिलिब 1000 टंका भत्ता। तबे केबेठो मिलिब क्यों मानकु मिलिब जानिबा पई वीडियो टिकु शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आहुरी अन्य खबर रहिछि ताहा मध्ये जानिबा पई वीडियो टिकु शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु न्यूज को आपण माने केउ जिल्ला रे देखुछंती कमेंट करि जणांतु। ता सहित वीडियो को गुटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे चलंतु आउ डेरी करिबा नाही आजर खबर टिकु आरंभ करिनबा। एचडीएफसी परे एबे एही बडो बैंक उपरे जरिमाना लगाइले आरबीआई आपणकर अछि कि अकाउंट तेबे निहाती वीडियो टिकु शेष पर्यंत देखंतु। नियम पालन रे उल्लंघन करिबा अभिजोग रे एचडीएफसी लिमिटेड उपरे जरिमाना लगाइछंती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एहा परे वर्तमान केन्द्र रो आउ एक बडो बैंक उपरे मध्य जरिमाना लगा जाइछि। ऋण पुनरुद्धार एजेंसी संबंधी नियम को पालन न करबाकु आरबीआई रो बैंक लिमिटेड उपरे 2.27 कोटी टंकार जरिमाना आदेश करिछंती रिजर्व बैंक। सूचना अनुसार ग्राहकों सह होइतेबा कोनोसी ट्रांजेक्शन किंबा चुक्ति सह यार संबंध नाही बोली कहिछंती आरबीआई। एहा माध्यम रे सेंट्रल बैंक विभिन्न मानदंड रो उल्लंघन पई अनेक सहकारी बैंक उपरे जरिमाना आदेश जारी करिछंती। परवर्ती खबर पश्चिम झड़र प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी आसंता 24 घंटा मध्य गड़गड़ी सह प्रबल वर्षा संभावना। पश्चिम झड़ प्रभाव में राज्यर अधिकांश अंचल वर्षा लागी रही। गतकाली अपराह्न रे कटक भुवनेश्वर और यार आखपाख अंचल सामान्य मध्यम धरणर वर्षा हो जाए। गत 24 घंटा मध्य सुवर्णपुर जिलार उलुंडा ठारे सर्वाधिक 33.4 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर जाइछे। एही समय रे केतेक स्थान रे वर्षा ओ पवन सह कुआपथर माड़ हेबारु व्यापक फसल नष्ट होइछे। महांगा अंचल 20 पंचायत रे व्यापक फसल नष्ट होइछि बोली जणा पड़िछे। सेहिपरि केन्द्रापड़ार पाटमुंडाई रे 29 नयागढ़ रणपुर रे 25.4 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर जाइछे। आसंता 24 घंटा मध्य पवन बहिबा सह प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबा नै नयागढ़ कटक केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर जाजपुर ढेंकानाल अनुगुल संबलपुर देवगढ़ केन्दुझर और मयूरभंज जिला पाई ऑरेंज वार्निंग जारी कर जाइछे। परवर्ती खबर ई रीडिंग रूम राज्य में प्रथम थर पर खोलिला डिजिटल रीडिंग रूम। ऑडियो बुक सुनी पारिबे आउ पाठ मन रखी पारिबे छात्री। रमादेवी महिला विश्वविद्यालय रे दृष्टि बाधिता छात्रीं को पाई राज्यर प्रथम डिजिटल रीडिंग रूम विनोदिनी महापात्र रीडिंग कर्नर मंगलवार उद्घाटित होइछे। एथिरे मो कॉलेज अभियान अध्यक्ष आकाश दास नायक मुख्य अतिथि भाबे जोग देई ए रीडिंग रूम रो उद्घाटन करिछंती। ए रूम रे दृष्टि बाधित छात्रीं को पाई जो सॉफ्टवेयर अच्छी बोली जना पड़ी। परवर्ती खबर गूगल रो अलर्ट विपद रे लक्ष लक्ष एंड्रॉइड स्मार्टफोन वाईफाई कॉलिंग बंद करंतु नचेत हैक हेबो आपन ग्रब फोन। स्मार्टफोन वर्तमान समय रे प्राय समस्त को द्वारा व्यवहृत होउछे। तबे फोन एबे सब काम रे आसुछे। बैंकिंग सहित अनेक जिनिस रे फोन रो व्यवहार रहिछे तेणु यार बहु व्यवहार को दृष्टि रे रखी या हैकर मानको टारगेट रे सर्वाधिक रही थाए। वर्तमान गूगल एंड्रॉइड व्यवहारकारी को पाई एक चेतावनी देछे। गूगल प्रोजेक्ट जीरो दल एहिपरि 8टी बग आविष्कार करिछे जहां सारा विश्व रे लक्ष लक्ष एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स को पाई विपद सृष्टि करुछे। या मध्ये 4टी बग अधिक विपदजनक बोली जणा पड़िछे। एही बग गुड़िक सही स्मार्टफोन पाई एक बड़ विपद पलटिछे जहार सैमसंग ऑक्सिनोस चिप्स अच्छे। सैमसंग एवं वीवो एही चिप सेट को बहुत भाव व्यवहार करती। यह गूगल पिक्सेल 6 एवं पिक्सेल 7 रे मध्य व्यवहृत होउछे।
ଏହି ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କରାଇ ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ। ରାମେଶ୍ୱର, ନିରାକାରପୁର, ଚନ୍ଦନପୁର ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ପାଇବ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମାନ୍ୟତା। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ତଥା ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁରିଜମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ ସମ୍ବିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମାନ୍ୟତା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଗଡ଼କରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂରଣ ହେବ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ, ରାଜ୍ୟରେ ଦୂର ହେବ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଦୂର ହେବ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ, ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଦ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଶସ୍ତା ହେଲା ମଦ, ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକିଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଯେତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ବି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଦର ଚାହିଦା କମିବା ବଦଳରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନିୟମିତତା, ମଦ୍ୟପାନ କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସହ ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ତେବେ ମଦ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବା ମଦ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ମଦର ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଏଣିକି ଅଧିକ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ପୁରୁଣା ଅବକାରୀ ନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ବା 2023-24 ନୀତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବିଦେଶୀ ମଦ 20 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋବଂଶ ସଂରକ୍ଷଣ, ଖେଳକୁଦ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବୋତଲ ପିଛା 1 ଟଙ୍କାର ସେସ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପାଇବେ 42,000 ଟଙ୍କା। ସେହି କୃଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବାର୍ଷିକ ଅତିକମ୍ରେ 36,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମଣ୍ଡଳ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ଷରେ 2,000 ଟଙ୍କାର 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପେନ୍ସନ ଭାବରେ ଅତିକମ୍ରେ 36,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ www.pmkisan.gov.in ରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ପେନ୍ସନ ଦିଆଯାଏ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଷିକ 36,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ବୟସ 18-40 ବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ଅଧୀନରେ ଥିବା କିସ୍ତିରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1 ବର୍ଷର ଅବଦାନ ଜମା କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 6,000 ଟଙ୍କା, ତା ସହିତ ପେନ୍ସନର ବର୍ଷକୁ 36,000 ଟଙ୍କା ମିଶିକି 42,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2025 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଯୁଗ୍ନାମୁକ୍ତ, ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ମେଡୁଲାର ମେସିନ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଯୁଗ୍ନାମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଯୁଗ୍ନା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ମେଡୁଲାର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ମେସିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 190 ମେସିନ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛି। ଯୁଗ୍ନା ରୋଗ ଡିଟେକ୍ସନ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଆୱାରନେସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଗଣାରେ କରାଯାଉଛି ଯୁଗ୍ନା ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଔଷଧ। ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଟେଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା 2 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ଖାସ ନ ଛାଣିବା,
कफ हेबा दुर्बल लागिबा थंडा ज्वर न छाणिबा भोक न लागिबा एने सूचना देले जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र। परवर्ती खबर पुणी आसिला छटेई बड़ झड़। दर्शक बंधु 9000 कर्मचारी को छटेई करिबो अमेज़न। वर्तमान समय रे सारा विश्व रे छटेई सीजन चलीछे। विश्वर बहु बहु बा बड़ बड़ टेक कंपनी माने सेमानकर कर्मचारी संख्या हर्ष करुछंती। तबे एहा मधरे विश्वर अन्यतम बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेज़न छटेई करिबा नै खबर मिलिछे। ई कमर्स कंपनी अमेज़न 9000 कर्मचारी को कार्यरु बाहर करिबो। 18000 कर्मचारी को चाकरी रु विदा करिबा नै गत जनवरी मासरे कंपनी घोषणा करितला। वर्तमान 9000 कर्मचारी को कार्यरु बाहर करिबो बोली जणा पडिछे। परवर्ती खबर केन्द्र परिवहन मंत्री को बड़ सूचना हाईवे रु हटि जिवो टोल टैक्स यात्री को आउ देबाकु पडिबो नाही। जो माने हाईवे प्रतिदिन जीवा आसीबा करंती सेमानक पई एक खुशी खबर। दर्शक बंधु वर्तमान केन्द्र मंत्री नितिन गडकरी एक बड़ घोषणा करिसंती। सरकार खूब शीघ्र देशर समस्त हाईवे रु टोल टैक्स नियम हटाइबे बोली सूचना देइछंती। वर्तमान आपनकु घंटा घंटा धरी लाइन रे ठिया हेबाकु पड़िबो नाही एवं टोल टैक्स देबाकु पड़िबो नाही। सरकार एहा पई एबे नुआ नियम आनुछंती। परवर्ती खबर ओडिशा रे खाली पड़ी 2 लाख सरकारी पदवी एपटे बढ़ुची बेरोजगारी। दर्शक बंधु ओडिशा रो अनेक युवक युवती वर्तमान सुधा चाकरी खंडे पई हंतसंत होउछंती। अनेक प्रकार डिग्री सह प्रतिभा माटी तले कबर देला भली लुची जाउची पिलांक भविष्यत। किंतु सेपटे राज्य रे 2 लाख रु अधिक सरकारी पदवी फांका पड़ीथिबा जानिबाकु मिलिछे। एने विधानसभा गृह रे घोषणा करिछंती अर्थमंत्री निरंजन पुजारी। गतकाल विधानसभा गृह रे सुंदरगढ़ विधायक कुसुम टेटे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी को एक प्रश्न रखिथिले जहार उत्तर दे निरंजन पुजारी कहिछंती जे ओडिशा रे वर्तमान 398577 जन कर्मचारी सरकारी क्षेत्र रे काम करुछंती। या परे मध्य राज्य रे 226559 सरकारी पदवी खाली पड़ी जेउथरे योग्य प्रार्थी पई अन्वेषण जारी रहिछे। परवर्ती खबर तमिलनाडु सरकार को बड़ घोषणा प्रत्येक गृहिणी को मासिक मिलिबो 1000 टंका भत्ता। गृहिणी को पाई बड़ घोषणा मासिक मिलिबो 1000 टंका भत्ता। तमिलनाडु सरकार को बड़ घोषणा आने की प्रत्येक गृहिणी को मिलिबो मासिक 1000 टंका भत्ता। राज्य कैबिनेट रे एने बिल पारित हो सारी सरकार यहाँ नेकी बड़ घोषणा करिछंती। योजना पाई 7000 कोटी टंकार बजेट मध्य प्रस्तुत कर। परवर्ती खबर UIDAI आनिला नुआ प्लान ठकंक जुग सरिला मृत्यु व्यक्ति को आधार रे एणिकी केही भी नहीं पारिबे नि सिम कार्ड। दिनकु दिन आधार कार्ड जड़ित ठकामी बढ़ी पारे लागिछे। अनेक समय अपराधी माने मृत्यु व्यक्ति को आधार कार्ड देखाई सिम कार्ड हाते नहीं थांती। परवर्ती समय विभिन्न राज्य रु सिम पठाई अनेक प्रकार बेआईन कार्य कर लोकंकु लुटी थांती। तबे एणिकी ठकंक फर्मूला आउ चलिबो नाही। खूब शीघ्र केंद्र सरकार एने एक नूतन पदक्षेप ग्रहण करने को जाउछंती बोली जणा पड़िछे। परवर्ती खबर सेंट्रल बैंक तरफ बाहरला 5000 पदवी पई बम्फर नियुक्ति शीघ्र करंतु आवेदन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 5000 अप्रेंटिस पदवी पई आवेदन प्रक्रिया आरंभ करिछे। बैंक द्वारा यह पदवी अधीन देशर विभिन्न राज्य में नियुक्ति करा पोस्ट गुड़िक आवेदन प्रक्रिया मध्य आरंभ हो। पदवी पर आवेदन करने को चाहूबा प्रार्थी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .co.in परिदर्शन कर पोस्ट गुड़िक ऑनलाइन रे आवेदन करें। आवेदन पर शेष तारीख 3 अप्रैल 2023 भाव स्थिर कर।